स्तरीय बनेगी, जांच करेगी, तो ये तो मुख्यमंत्री जी का इस पूरे गंभीर प्रकरण को लीपा पोती करने वाला मामला है। मैं इसमें भरोसा इसलिए नहीं करता कि बोर्ड के अध्यक्ष जारोली और प्रदीप पारासर, जिनको मैंने मुख्य मुलजिम बताया था, स्ट्रांग रूम से पेपर वहां से भेजे गए थे, वितरित किए गए थे, रकम भी अभी तक एसओजी ने बरामद नहीं की 1,22,00,000 की रामकृपाल मीणा से। तो मैंने मीडिया को यह जाहिर किया था कि इसमें केवल जारोली प्रदीप पारासर ही नहीं, इसमें कुछ बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, बड़े मंत्री नेतागण भी हैं, सीएमओ और सीएमआर तक आंच पहुंच रही है, इसलिए किसी एसओजी से हमें न्याय की आशा नहीं है, तो इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। उस बात को टाल के मुख्यमंत्री जी ने उच्च स्तरीय कमेटी बना दी, जिसका परिणाम लीपापोती होगा। उसके कोई रिजल्ट 26,00,000 जो राजस्थान के बच्चे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। एक गांधी जी के खास है, गांधीवादी हैं, गांधी परिवार के बहुत ही नजदीक हैं, बहुत लोगों की उन्होंने छुट्टी करा दी उनके नजदीक पहुंच के, तो कम से कम मुख्यमंत्री जी इतना शर्म तो कर रहे हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन को अगर कोई ऐसा संगठन है जो राजीव गांधी के नाम को बदनाम कर रहा है, तो मुख्यमंत्री जी को मैं आपके चैनल के जरिए निवेदन करना चाहूंगा आग्रह पूर्वक, राजीव गांधी का नाम बदनाम नहीं हो, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए, जिससे जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएं और आप अपने गांधी परिवार का नाम की कुछ इज्जत बचा लें कलंकित होने से। ये मेरा निवेदन रहेगा गहलोत साहब से। छुट्टी सेक नहीं होती तो मैं पड़ाके की ठंड में शहीद स्मारक पर धरने पर बैठा था और एक बत्ती लाल छोटे दिलखुश 3-4 लोगों को पकड़ के कुंडली मार के एसओजी बैठ गई राजनीतिक दबाव में। और जब मैं एडीजी से मिला था एसओजी में, जहां आप भी मौजूद थे, उनके दफ्तर के बाहर धरना देकर बैठ गया। जब वो आगे बढ़े, भजन लाल पकड़ा गया और भजन लाल से राम कृपाल पकड़ में आ गया। लेकिन अब केवल जारोली को सस्पेंड कर देना, सेक्रेटरी को सस्पेंड कर देना या पारासर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने से काम नहीं चलेगा, इनको दोनों को गिरफ्तार करो, ये मुलजिम है, और उनकी आंच सीएमआर सीएमओ और बड़े मंत्री ब्यूरोक्रेट्स तक पहुंचेगी। मेरे को तो आज जानकारी मिली है कि जो डॉक्टर प्रदीप पारासर हैं, इनकी धर्मपत्नी को राजस्थान यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट का सदस्य भी गहलोत साहब ने बनाया है, तो इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। जैसा जारोली साहब ने कहा है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त की इस गपड़े में बात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष कह रहा हो, तब तो सीधा आरोप मुख्यमंत्री जी पर है, सीएमओ पर है, सीएमआर पर है, बड़े मंत्रियों पर है, ब्यूरोक्रेट्स पे, तो उसकी सच्चाई उजागर होनी चाहिए। उजागर सीबीआई कर सकती है, एसओजी नहीं कर पाएगी। वो तो शक इसलिए हुआ था कि रिकॉर्ड रिजल्ट घोषणा करने की जल्दबाजी सरकार इसलिए कर रही है कि इस पूरे प्रकरण पर पर्दा डाल दिया जाए, इसको डाइल्यूट कर दिया जाए, इसको डाइवर्ट कर दिया जाए। लेकिन कुछ मीडिया के कारण, और जैसे जवान अभी उपेंद्र यादव बोल रहे थे, ऐसे लोगों के कारण, कुछ हमारी पार्टी के एक्टिव होने के कारण ये स्थिति बनी है कि कुछ लोग जेल में गए हैं। लेकिन उस समय मुख्यमंत्री जी भी ये कह रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ, उस समय माननीय शिक्षा मंत्री जी ये कह रहे थे जो पेपर लीक की बात करता है उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। तो सरकार की सबसे बड़ी एजेंसी एसओजी ये कह चुकी है कि पेपर शिक्षा संकुल से लीक हुआ है, सरकार एक तरह से मान गई। तो सरकार एक तरह से मान गई, जो अभी उपेंद्र ने नई बात बताई है, कुछ लड़के ऐसे परिश्रमी हैं जिनका जो जिन्होंने वास्तव में मेहनत की है, लेकिन इसमें अधिकतर मेरी समझ में 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेपर खरीदा है, पेपर देखा है, जिसके आधार पर उनके अंक मिले होंगे, मैं सबको नहीं कहता। तो कोई युक्ति युक्त रास्ता सरकार को निकालना चाहिए, जिसने मेहनत की उसके साथ अन्याय नहीं हो, और जिसने मेहनत बिना मेहनत करके शिक्षक बनना चाहता है वो राजस्थान के बच्चों का भविष्य बिगाड़ेगा, उसको भी चिन्हित करके आइसोलेट किया जाए।
लेकिन मेरे को लगता नहीं, जब मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि इसको लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी आप ये बताओ, आपकी आंखों के नीचे, आपके आंखों के सामने आपका चुना हुआ व्यक्ति जारोली शिक्षक संकुल में बैठ के पेपरों को लीक कर दे, आपके उस व्यक्ति को जिसकी धर्मपत्री को आपने सिंडिकेट का मेंबर बनाया है वो पेपर को लीक कर दे, जिस मीणा का नाम मैंने शुरू में लिया था उसके द्वारा प्राइवेट आदमी के द्वारा बंटवाया जाए, अब मैं इसको क्या मानूं? 33 जिलों में से 32 जिलों में एडीएम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे और मात्र एक पारासर जी प्रदीप पारासर प्राइवेट आदमी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर था, तो ये क्यों किया? बोर्ड के कई नियमों में भी नहीं है कि आप प्राइवेट आदमी को ये बना दें। मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगा, कुछ मैं 2-4 दिन में एक और खुलासा करूंगा। ये जो बोर्ड के जारोली अध्यक्ष हैं, ये सुभाष गर्ग के पटु शिष्य हैं, चेले हैं, सारा उन्होंने गाइड किया है। तो एक मंत्री भी परोक्ष अपरोक्ष रूप से इस पेपर बेचने में, लीक करने में शामिल है, जिसके प्रमाण मैं अति शीघ्र आपके सामने, मीडिया के सामने लाऊंगा। पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अभी तक एसओजी को वहां तक हाथ नहीं डालने दे रहे हैं, जो मगरमच्छ ये जवान ने उपेन्द्र ने बताया, जिनको मैं भी मगरमच्छ मानता हूं, उनको जब तक पकड़ेंगे नहीं तब तक जो सूत्र मैं आपको मीडिया में कल कहा था कि सीएमओ सीएमआर बड़े मंत्री बड़े ब्यूरोक्रेट तक जाते हैं, जब तक वो शिकंजे उन पर नहीं कसे जाएंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। ये मामला केवल जारोली तक नहीं है, केवल प्रदीप पारासर तक नहीं है, ये ऊपर तक है। मैं फिर आरोप लगा रहा हूं और जिसके प्रमाण कुछ दिन बाद में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी भला ये होगा, प्रकरण को आप सीआई को सीबीआई को दे दें, केवल जारोली सस्पेंड कर दिया या सेक्रेटरी सस्पेंड कर दिया, इससे काम चलने वाला नहीं है। बेरोजगार राजस्थान के 26 लाख संतुष्ट होने वाले नहीं है, जनता सड़कों पर है, उबाल है, प्रदर्शन हो रहे हैं, धरना हो रहे हैं, उग्र होते जा रहे हैं बेरोजगार। ऐसी स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए जैसी बिहार में हुई है। आप अपने आप को गांधीवादी कहते तो गांधीवादी तरीके से किसी प्रकार की हिंसक स्थिति नहीं बने राजस्थान में। आप इसको सीबीआई को इस जांच को थमा देना चाहिए। आपने अलवर में भी तो थमाया है और अलवर की स्थिति आपने देखी, अलवर में सीबीआई को जांच देने के बाद लोकल पुलिस जांच कर रही है और सारे प्रमाण मिटा रही है, और आज एफएसएल की रिपोर्ट आई है उसमें लड़की के कपड़ों पे वो सीमन मिला है, स्पर्म मिला है। तो ये तो इस ढंग से बदनामी नहीं हो। गहलोत साहब प्रकरणों को दबाने में माहिर है। इस जो ये 26 लाख बेरोजगार है उनके भविष्य के साथ भी राजस्थान के मुख्यमंत्री खिलवाड़ करना चाहते हैं। ये खिलवाड़ राजस्थान की जनता, राजस्थान के जवान, बेरोजगार संघ और पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होने देगी। और मैं तो पूरी तरह से शुरू से इनके साथ हूं और आगे तक भी कंधे से कंधा मिला के, चाहे गहलोत साहब लाठी चलाएं, जेल में डालें, गिरफ्तार करें, कुछ भी करें, लेकिन ये अन्याय नहीं होने देंगे। राजस्थान में लेकर इतने पेपर उपेन ने गिनाए हैं, इतने पेपर लीक हो गए, राजस्थान में एक तरह से परंपरा बढ़ गई है पेपर लीक करके कमाई करने की, जिसको राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बात सही है कि सुभाष गर्ग पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, उनके खिलाफ गंभीर आरोपों की शिकायत दी गई थी, लेकिन उसकी जांच आज तक पूरी नहीं हुई। और आप ये भी जानते हैं, एक दल का मात्र एक विधायक और वो मंत्री बना हुआ है, इसलिए कि गहलोत साहब की बड़ी उन पर कृपा है, अनुकंपा है, और जिस पर राज्य के मुखिया का आशीर्वाद हो, वरदहस्त हो, वो कुछ भी कर सकता है। तो आपने जितने मामले आपने गिनाए ये स्वयं प्रमाणित हैं कि सुभाष गर्ग ने गड़बड़ियां की हैं, और अब भी रीट में सुभाष गर्ग की अगुवाई में भी गड़बड़ियां की गई है। जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको भी सुभाष गर्ग की दखल से ही काम दिया गया है, जिसमें लंबी पूरी लेन देन हुई है, वो भी मैं तथ्य कुछ दिनों बाद मीडिया के सामने रखूंगा। मेरे पास प्रमाण है। मैं हम तो ये देख रहे हैं सरकार सहज ही चलती रहे, इनके खिलाफ कार्रवाई करे, इसलिए मैं चलते हुए मांगूंगा कि गहलोत साहब को सुभाष गर्ग को भी हटाकर एसओजी को कहें कि इनसे भी जांच किया जाए, इनका हाथ है, और इनका हाथ पता लगेगा तो आज सीएमओ तक पहुंचेगी, सीएमआर तक पहुंचेगी, इसका मेरे को भरोसा है। और जब वहां तक पहुंचेगी तो जांच आगे नहीं पड़ जाएगी। इसलिए फिर दोबारा दोहराना चाहता हूं
की जांच सीबीएसई होनी चाहिए। बगल में महुआ के दौसा के पास इस रोड पे जमोरामगढ़ पे ट्रक पलटा था और आप ये देखो प्रश्न पत्र जैसी महत्वपूर्ण चीज जा रही थी वो पुलिस की सुरक्षा में नहीं जा रही थी, पेपर जा रहे थे, ट्रक उलट गया, किसने उलटाया, ड्राइवर को मारा, क्या हुआ, उसकी जांच आज तक नहीं हुई। और ड्राइवर की सूचना भी डेढ़ घंटे बाद दूसरे लोगों ने दी कि ये ड्राइवर मर गया, ट्रक पलटा हुआ है, उसकी जांच आज तक नहीं हुई। एक 302 का मुकदमा बालघाट थाना जिला करौली में दर्ज हुआ जहां रीट के पेपर मामले में 3 लोगों ने 90 लाख रुपए इकट्ठे किए, उसमें तीनों में लड़ाई हो गई, दो ने मिलकर एक का मर्डर कर दिया, नामजद दर्ज है। मैं एसओजी को भी कह चुका हूँ, कल भी मैं एसओजी के एडिशनल डीजी को मिलकर आया हूँ, प्रमाण दे के आया हूँ, उन्होंने मेरे को भरोसा दिया है कि आप जो प्रमाण दे रहे हैं इन पर हम आगे बढ़ेंगे, बेहिचक बढ़ेंगे, किसी प्रकार का दबाव हम पर नहीं है। मैं तो आपके चैनल के जरिए मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूंगा कि एसओजी चल रही है, उस पर राजनीतिक दबाव नहीं डालें, जहां तक है उनको स्वतंत्र रूप से काम करने के, लेकिन भरोसा नहीं है मेरे को। गहलोत साहब जब अलवर कांड के उसको प्राइवेट पार्ट पे इंजरी बता सकते हैं तो इसको भी दबा सकते हैं, इसलिए सीबीआई की जांच हो, ये हमारा पक्का मंशा है, प्रबल इच्छा है, उसको मुख्यमंत्री जी पूरा करें। चेहरे के पीछे कई चेहरे हैं, 10 जनपद को दिखाने के अलग चेहरे हैं, राजस्थान की जनता को दिखाने के लिए गांधी का चेहरा लगा लेते हैं और अलवर की गैंगरेप को घटना को बचाने के लिए प्राइवेट पार्ट पर एक्सीडेंट दिखवा देते हैं, और इसमें पेपर लीक प्रकरण में कहते हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं, और उनका शिक्षा मंत्री जो खास है वो ये कहते हैं, कहा था कि जो कह पेपर लीक हुआ उसको गिरफ्तार करना चाहिए, तो मेरे को तो लगता नहीं। मैं गहलोत साहब के चेहरे अनेक हैं और अनेक चेहरों वाला अब रावण राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। गहलोत साहब को स्पष्ट रूप से संवेदनशील हैं तो वो दिखानी पड़ेगी, गांधीवादी है तो गांधीवादी करेक्टर जनता को दिखाना पड़ेगा। अब राजस्थान की जनता में वो ज्यादा दिन धूल झोंक के नहीं चल सकते। कितने जो अभियोजन स्वीकृति के मामले अटके पड़े हैं, जिसपे अभियोजन स्वीकृति एंटी करप्शन ब्यूरो चाहता है, जब ये करप्शन में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं गहलोत साहब, तो उनमें अभी जो अभियोजन स्वीकृति क्यों नहीं देना चाहते, क्या कारण है कि उनमें अभियोजन स्वीकृति आज तक गहलोत साहब नहीं दे रहे, जो ईमानदारी का चोगा ओढ़ते हुए घूमते रहते हैं। और एक और मैं पूछना चाहूंगा, खुद गहलोत साहब के आदेश से उन 3 MLA के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था जिन्होंने सरकार गिराने के लिए पैसे बांटे थे, उस जांच को भी गहलोत साहब ने इसलिए दबा दिया कि वो उनके पक्ष में खड़े हो गए, इसलिए जो उनके पक्ष में खड़े हो गए, चाहे उन्होंने पैसे बांटे हो सरकार गिराने के लिए, चाहे इलीगल माइंस चला रहे हों, जो दारू का धंधा कर रहे हों, चाहे गुंडों से मिले हुए हों, चाहे माफियाओं से मिले हुए हों, वो सब MLA अब गंगा में पवित्र हो गए गहलोत साहब की में। तो मैं गहलोत साहब से ये कहना चाहूंगा, अगर जीरो टॉलरेंस रखते हैं जिन MLA के खिलाफ आपके निर्देश पर ACB में मुकदमा दर्ज हुआ था, जरा ACB को कौन आगे बढ़े उन MLA को जिसने राजस्थान को जिन्होंने भ्रष्ट करने की कोशिश की, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? इसलिए नहीं करते कि चाहे राजस्थान लुट जाए लेकिन गहलोत साहब की कुर्सी सुरक्षित रहनी चाहिए, एकमात्र फार्मूला उन्होंने अपना रखा है। क्यों नहीं थी? हाँ, ये बड़ी बात है। चालक को किसी ने मार तो नहीं दिया, मर्डर तो नहीं कर दिया, चालक के परिवार ने आरोप भी लगाए। हाँ, क्यों नहीं पता लिया कि वो मारा है कि एक्सीडेंट से मरा है, और कोई भी साथी नहीं था उनके साथ। ये कैसा तमाशा चल रहा है राजस्थान में, अकेला ड्राइवर ले जा रहा है, पलट रहा है, डेढ़ घंटे बाद पुलिस को सूचना मिल रही है, दौसा की पुलिस पहुंच रही है, जमोरामगढ़ की पुलिस पहुंच रही है, तो उसमें आगे पुलिस। फिर मैं बालघाट का 302 का मामला बता रहा हूँ, 90 लाख इकट्ठे हुए रीट के मामले में, केवल FIR दर्ज करके मैंने लोकल पुलिस को भी कहा था भाई ये SOG की जानकारी भी दो, तो उन पर हाथ क्यों नहीं डाल रही है? उस एक उसका खंडार का एक जाट पकड़ा है जिसकी धर्मपत्नी ने जोधपुर में परीक्षा दी और उसने 5,000 लोगों को पेपर और दे दिया, वो महिला गिरफ्तार नहीं हुई, उसके पति नौकरी में नहीं, उसको गिरफ्तार करके वो बेल आउट भी हो गया। तो जैसे योगी जी ने उत्तर प्रदेश में किया है, गैंगस्टर एक्ट लगाया है, प्रॉपर्टी को जब्त कर डाला, उनको बर्बाद कर डाला, जो बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं,
मुख्यमंत्री जी मेरी प्रार्थना है, जिन्होंने भी बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है और आपकी छवि को बिगाड़ा है, उनको तो वैसे ही कर दो जैसे योगी आदित्यनाथ ने यूपी में किया, उनका इलाज तो यही होगा। और एक सख्त कानून, सख्त से सख्त, जो देश में कहीं ऐसा कानून नहीं हो, ऐसा कानून राजस्थान की विधानसभा में पारित किया जाए, इसलिए कि राजस्थान में पेपर लीक करना एक परंपरा बन गई है, वो जब ही रुकेगी जब सख्ततम कानून राजस्थान में आएगा। यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट की सदस्य बनाई है गहलोत साहब ने, और वो इसका मित्र था, चेला था LBS कॉलेज में, और ये मित्र है ही जारोली जी, और जारोली और प्रदीप पारासरे जो हमारे सुभाष गर्ग हैं उनके चेले हैं, उनके दोस्त हैं, उनके मिलने वाले हैं, तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है सीधा मुख्यमंत्री जी के खास व्यक्ति मंत्री सुभाष गर्ग का, तो इसमें कोई बात ऐसी है ही नहीं जो समझ में नहीं आ रही हो, तो राजनीतिक संरक्षण तो प्राप्त है ही इनको, इसलिए ये बच रहे हैं। इसलिए 4 महीने से अभी तक कोई जांच नहीं हुई ना कार्रवाई हुई, कार्रवाई तो जब मानेंगे, जब जारोली गिरफ्तार हो जाएगा, प्रदीप पारासर गिरफ्तार हो जाएगा, और जो मैंने कल उनको, अभी मैं खुलासा नहीं करना चाहता, SOG के एडिशनल DG को जो प्रमाण दे के आया हूँ वो गिरफ्तार हो जाएंगे, जब मैं मानूंगा कि कुछ SOG आगे बढ़ने लगी है और उस पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं है, मामला है। और करीबन 20-25 करोड़ का मामला पेपर प्रिंटिंग में लेन देन का है, जिसके प्रमाण मैं आपको दे दूंगा। तो ये बड़ा घोटाला है पेपर लीक करने में, क्या है दरअसल में प्रिंटिंग का मामला जो है उसमें पैसे जारोली को नहीं मिले, तो जारोली प्रदीप पारासर और रामकृपाल मीणा ने योजना बनाई, ये तो छोटी सी रकम है, 20-25 करोड़ की क्या लड़ाई लड़ना, 1,200 करोड़ का मैं फार्मूला बता देता हूँ, और ये 1,200 करोड़ का फार्मूला रामकृपाल मीणा, डॉक्टर प्रदीप पारासर, डॉक्टर DP जारोली ने शिक्षा संकुल में बनाया था 24 तारीख को, और उनके 6 निजी लोगों को ये पेपर दिए गए थे, जो चाहूं और राजस्थान का कोई जिला बचा होगा जहां पेपर नहीं गया होगा, करीबन 50% लोगों के हाथ में जो पास हुए हैं 30,000 में से 15,000 के पास ये पेपर पहुंचा है। सरकार का यही षड्यंत्र है कि जारोली को निकालो, जारोली को गिरफ्तार करके इशारा मार दो, फाइल को चालान कर दो, आगे मामला नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार CBI की जांच की मांग मैं कर रहा हूं, सारे राजनीतिक दल कर रहे हैं, बेरोजगार संघ कर रहा है, बाकी के संगठन कर रहे हैं, जवान सड़कों पर उतरे हुए हैं कि CBI की जांच के बिना जड़ तक नहीं पहुंचा जा सकता, और जब तक पूरी जड़ नहीं उखड़ेगी तब तक इस वट वृक्ष का, जो पेपर लीक का वट वृक्ष है, इसका सर्वनाश नहीं होगा। इसलिए जांच CBI से कराई जानी चाहिए। आपने जो डाउट बताया, संदेह, वो संदेह मेरे को भी है कि जारोली को चढ़ा के और इतिश्री कर दी जाएगी, जिसको राजस्थान की जनता लाइक करने वाली नहीं है। मामला पूरे तह में जाना चाहिए और इस बीमारी का पूरी तरह से इलाज होना चाहिए, ऐसा मैं मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के द्वारा निवेदन करना चाहूंगा। उस राजनीतिक छत्र छाया को SOG वर्कआउट नहीं कर सकती, नहीं निकाल सकती, जाहिर नहीं कर सकती, पता नहीं लगा सकती, इसलिए CBI जांच हो और जारोली जी से यह पूछा जाए किसका राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था पेपर को लीक करने में, पेपर को चोरी कराने में, और वो CBI पता कर सकती है। और मेरी समझ में ये जारोली ने यह बयान देके मुख्यमंत्री जी को धमकाया है, सरकार को धमकाया है, तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा आप एक साधारण से बोर्ड के अध्यक्ष के सामने, धमकी के सामने झुके नहीं, प्रकरण को CBI को दें ताकि पता लगे। मेरे को तो ऐसा लगता है कि CM साहब, जो मैंने कहा था, इस बात से घबरा रहे कि मामला CMO तक जा रहा है, CMR तक जा रहा है, और बड़े ब्यूरोक्रेट कुछ इसमें आएंगे, कुछ बड़े मंत्री और पॉलिटिशियंस इसमें फंसेंगे, तो कांग्रेस की सरकार को खतरा पैदा हो सकता है। इससे सावधान होकर हो सकता है गहलोत साहब जारोली से पर्दे के पीछे समझौता कर लें और उसको बाद में रिहेबिलिटेट कर दें। तो कुछ नहीं है मेरे पास, कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है कि पैसे, लेकिन पैसा एक ही व्यक्ति तो भेज रहा है, चन्नी को तो कोई सुध नहीं, पूरी कांग्रेस को, देश की को गहलोत साहब चला रहे हैं, चुनाव का फाइनेंस हो और कोई 10 जनपद चलना हो, कोई कार्यालय AICC का चलना हो, सारा खर्चा ये दे रहे हैं
तो ये तो जग जाहिर है, गहलोत साहब भी पूरा खर्चा दे रहे हैं कांग्रेस का, तो इसलिए आज की तारीख में कांग्रेस में सबसे बड़ा चेहरा गहलोत साहब हो गए हैं, क्योंकि कांग्रेस को फाइनेंस कर रहे हैं। इतने एमएलए से नाराजगी दिखा दी और खुद इनके उप मुख्यमंत्री ने खूब नाराजगी दिखा दी, चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए शिकायत करते करते। उनकी कोई 10 जनपद में सुनने वाला नहीं है, दिल्ली में सुनने वाला नहीं है, राजस्थान के विधायकों की सुनने वाला नहीं है, इसीलिए कि थैले के थैले भरे हुए पैसे ऑल इंडिया कांग्रेस को केवल दे रहे हैं तो गहलोत साहब दे रहे हैं। बाकी हो सकता है थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ देता हो, पंजाब के तो चन्नी के नए ही है, उसके तो ईडी पहुंच गई, तो उसके बस की बात नहीं है। सारा खर्चा पूरे देश का गहलोत साहब उठा रहे हैं, इसलिए ये हाई कमान की भी परवाह नहीं कर रहे। सेना सड़क पर उतर गई। सेना का एक ऐसा श्रेष्ठ कमांडेंट जिसको शौर्य चक्र मिला हो, वो 13 दिन से अनशन पर है। मैं आज सुबह उनसे अस्पताल में मिल के आया हूँ, बेड में जिस ढंग से उनको भीड़ में डाल रखा है, बहुत जबरदस्त कीटोन बॉडी यूरिन में आ रही है, उनकी केयर कोई की नहीं जा रही। मैंने कहा भाई इनको अलग से लगाओ, 13 दिन से भूखा है, इनको स्पेशल अटेंशन दो, लेकिन वो कोई डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं था। ये एक मिसाल है, एक उदाहरण है, मैं उनको नमन करके आया हूँ विकास जाकर को, कि एक फौजी कमांडेंट बेरोजगार जवानों की लड़ाई लड़ रहा है बड़े हिम्मत के साथ, बड़े डेडिकेशन के साथ, बड़े निष्ठा के साथ। मैं उनको बारंबार नमन करना चाहता हूँ। और मुख्यमंत्री जी, आपको फौजियों का अपमान नहीं करना चाहिए। आप जैसे शरद जी बता रहे हैं, देश का फौजी सीमा से इन बेरोजगारों के भविष्य के बारे में चिंतित हैं, और एक फौजी 13 दिन से अनशन पर है, जिसका जो जीवन और मौत के बीच खेल रहा है, जरा उस पर आप सेंसिटिव हो, संवेदनशील रुख अपनाते हुए उनकी आवाज को भी सुने, विकास जाखड़ की को भी, जिससे राजस्थान के बेरोजगारों का भविष्य संवर सके। केवल नौकरी का मामला नहीं है, नौकरी तो लग जाएगी, लेकिन निकम्मे लोग मास्टर बन गए तो हमारा पूरा राजस्थान का जवानों का भविष्य, जनरेशन का भविष्य बिगड़ जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी को प्रायोरिटी देते हुए विकास जाखड़ की बात सुननी चाहिए, उपेन यादव की सुननी चाहिए, राजनीतिक दल के जो लोग उठा रहे हैं उनकी सुननी चाहिए। मैंने तो सबसे पहले उठाई थी, मेरी तो जब दोबारा सुनी है जब मैं एसओजी के दफ्तर के आगे बैठ गया। इसलिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो गड़बड़ घोटाला हुआ इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं। को पूरी जानकारी नहीं थी, उन्होंने इसलिए रीटोत्सव कह दिया कि 26 लाख में से 16 लाख बच्चे परीक्षा में बैठ गए, और वो पूरी राजस्थान की जनता का सहयोग था। कोई टेंट दे रहा था, कोई पानी पिला रहा था, कोई खाना खिला रहा था, कोई नाश्ता दे रहा था, राजस्थान की सरकार की कोई, वो तो जन सहयोग था, और इसलिए रीटोत्सव उन्होंने गलतफहमी में कह दिया होगा। उनको पता नहीं था कि इस रीटोत्सव में कितना भ्रष्टाचारोत्सव हुआ है, और अब शायद उनको अनुभव हुआ है। आप देख लेना, उन्होंने ट्वीट किया है अभी, जो मेरे को जानकारी दी है कि वसुंधरा जी ने अभी आज अभी ट्वीट किया है, इसकी सीबीआई से जांच की मांग उन्होंने भी की है।